Hello, hi, namaste. I am Prasad. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज हम एक ऐसा basic concept के बारे में discuss करेंगे जो concept हमारा हर एक platform में use होता है. जो programming जानने से पहले हमें वो concept clear होना चाहिए. तो इस concept क्या है उसके बारे में जानने के लिए इस video को end तक देखना, बीच से skip मत करना, ठीक है. और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ. देखो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस, मैंने अभी बोला कि प्रोग्रामिंग जानने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का है, ठीक है, उसको चाय बनाना नहीं आता. अगर मैं उसको बोलूंगा भाई एक चाय बना, तो वो बोलेगा भाई मुझे चाय नहीं आता बनाना. तो वो क्या करेगा, किसी को जाके पूछेगा कि भाई चाय कैसे बनाना है, ठीक है. तो वो क्या करेगा ना, उसको एक प्रोसीजर बताएगा कि चाय कैसे बनाते हैं. शायद आप लोग किसी लोगों को पता नहीं होगा कि चाय कैसे बनाते हैं. तो वो प्रोसीजर बताएगा कि भाई पहले गैस ऑन करो, उसके बाद पानी लेके गैस में बैठाओ, ठीक है. पानी गर्म होने के बाद उसमें दूध डालो या अमूल डालो, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालो, गर्म होने के बाद चीनी डालो, तो लास्ट में वो चाय हमें देता है, तो हमें चाय मिलता है. तो वो क्या किया ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसे बताया कि पहले क्या करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है. तो हर एक और स्टेप बाय स्टेप उसको बताया, फिर जाकर उसने चाय करके मुझे दिया, ठीक है. तो ये क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है. हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पहले उसका स्टेप समझना चाहिए, ठीक है ना. तो स्टेप क्या है, कैसे हमारा स्टेप होता है. जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बोलते हैं कि इस वीडियो को कैसे अपलोड करना है, वो एक स्टेप फॉलो करते हैं कि कैसे हमें वीडियो को अपलोड करना है. पहले हमें अपलोड सेक्शन में जाना है, वहां पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है, देन उसका टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, टैग्स देना है, थंबनेल देना है. तो एक बाय एक सीरियल वो बता दें, ठीक है ना. तो उस हिसाब से हम डालेंगे तो हमारा वीडियो वायरल होगा या जो भी होगा, ठीक है. तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो YouTube में क्या गया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है कि इस स्टेप को फॉलो करोगे तो YouTube में तुम्हारा वीडियो होगा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो डिलीट हो जाएगा या वीडियो अपलोड नहीं होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है. मैं और एक चीज बताता हूं, अगर किसी को एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं. मैं अगर बोलूंगा कि भाई हमें YouTube का वीडियो कैसे बनाना है, तो सिंपल बोला कि भाई कैमरा के सामने खड़े हो जाओ, बोल दो जो बोलना है बोल दो, वीडियो लेके अपलोड कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता ना. तो वीडियो क्या करना है ना, पहले वीडियो को बोलू कैमरा शूटिंग करना है, देन उसके बाद एक अच्छा सा इंट्रो देना है, देन अच्छा सा आउट्रो देना है, वीडियो में कहां से कहां गलती है उसको डिलीट करना है. तो ये सब करते हो ना, कहीं पे इमेज लगाते हो, कहीं पे कुछ लाइक मेमेज लगाते हो, ठीक है. तो ऐसे करते हो, तो उसके बाद वीडियो को अपलोड करते हो. तो देखो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, देखो हम उसको बोलते हैं, बहुत यूट्यूबर उसको बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है. मैं सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं. उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, और हम बोलते हैं भी एल्गो, जो बोलते हैं एल्गो उसे भी हम एल्गोरिथम ही बोलते हैं. तो एल्गोरिथम आज का कॉन्सेप्ट हमारे है एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम क्या है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक चाय, किसी को चाय नहीं आता है तो चाय कैसे बनाना है, ठीक है. तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके चाय बनाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको, अगर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हम आउटपुट निकाल रहे हैं, देखो
हमारा कंप्यूटर में क्या होता है देखो, मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ, एल्गोरिथम का काम क्या है देखो। हमारा कंप्यूटर में दो चीज होता है देखो, एक होता है हमारा इनपुट होता है, ठीक है, एक होता है हमारा आउटपुट होता है। हम अगर कुछ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम जो इनपुट दे रहे हैं, हमें जो आउटपुट मिल रहा है, उसके लिए हमें इनपुट का आउटपुट जाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो उस स्टेप को फॉलो करके ही हम आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं एडिशन करना चाहता हूं, ठीक है, मैं दो नंबर को एडिशन करना चाहता हूं, तो मैंने इनपुट दिया ए और बी को इनपुट दिया, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए सी, ठीक है, तो मैं यहां पे स्टेप फॉलो करूंगा, मैं पहले ए को इनपुट, ए और बी को इनपुट लूंगा, उसके बाद ए और बी को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मैं सी में स्टोर करूंगा। तो यहां पे मैं कुछ स्टेप फॉलो कर रहा हूं, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा यूट्यूब में क्या होता है ना, हम कोई वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है, वीडियो को अपलोड किए, वीडियो को हम क्रिएट किए, तो अपलोड करने के टाइम क्या होगा, हम कुछ स्टेप्स का फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें वीडियो अपलोड होता है, वायरल होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिथम का काम ही है। तो एल्गोरिथम क्या है देखो, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गो क्या है ना, ये क्या है ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। और क्या है ना, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है ना, जिस इसमें क्या होता है ना, कुछ इनपुट हम लेते हैं और हमें क्या होता है ना, हमें डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि चाय कैसे बनाना है, ठीक है, किसी को चाय नहीं आता तो वो क्या करेगा, पहले सीखेगा कि चाय कैसे बनाना है, ठीक है। तो चाय अगर कैसे बनाना है तो पहले क्या करेगा, क्या वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखेगा, तो कैसे क्या बनाना है, ठीक है। देन क्या करेगा ना, उसका कुछ रूल रेगुलेशन होगा कि चाय कैसे बनाना है। हम तो ऐसे जैसे कि हम गैस ऑन किए और सस्पेंड बैठा है, ये नहीं सस्पेंड बैठाने के बाद हम गैस ऑन करेंगे, गैस ऑन ना करके हम सस्पेंड बैठा देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता ना, उसका कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इनपुट दें, जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अमूल दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, देन उसके बाद चाय पत्ती दे रहे हैं, सब इनपुट देने के बाद लास्ट में हमें जो आउटपुट मिला, हमें टी आउटपुट मिला, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिथम। तो अगर एल्गोरिथम डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो एल्गोरिथम क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो विच फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गिव द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। देन हम तो पढ़ लिया कि एल्गोरिथम क्या है, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ पढ़ लिया। देन इसमें क्या होता है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें एल्गोरिथम में फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, पहला चीज है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है ना। जैसे हम यूट्यूब में अपलोड करते हैं वीडियो, तो हम क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हमारा वीडियो अपलोड होता है, उसके बाद हमारा वायरल होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, और हम बोलते हैं भी एल्गो, जिसको बोलते हैं एल्गो किसे काम करता है, एल्गो किसे काम उसे बताते हैं ना, तो एल्गो ये रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा।
अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक माई वीडियो। एंड और एक चीज बताता हूँ भाई, भाई मेरे वीडियो को कमेंट भी कर दिया करो, अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट कर लिया करो कि कमेंट में मैं समझ आया कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन को लेकर एक अलग सा वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।